वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसमें अम्मा भी थी और खाला भी थी और इकबाल हुसैन और असद का तो सीन ही नहीं था. असद वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट दैट टाइम. पहले चलावा में भी यही हुआ था तुम्हारे साथ. यस, असद वॉज नॉट पार्ट चलावा में भी यही हुआ था. सो असद तो वॉज नेवर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ असद वॉज नेवर पार्ट ऑफ द फिल्म दैट आई डिड. असद वॉज नेवर पार्ट ऑफ दिस वन. तो जब इवेंचुअली मैं सेट पर आई, हम लोग ये ढूंढते रह रहे थे नदीम कौन है, नदीम कौन है, नदीम कौन है. और मैं कहती नदीम क्या होगा, नदीम कौन है, ये किससे है, मैं मोहब्बत जो कर रही हूँ. सो खैर पता चला कि महेश भाई से बातें हो रही थी ये वो. तो पता चला असद का, मुझे किसी ने बताया हमारे सेट पर एडीज वगैरह तो नहीं. मुझे कहा हाँ असद भाई ने परेशान. मैं कहा क्या? उन्होंने कहा नहीं वो असद भाई मिलने आ रहे हैं आपसे. मैंने कहा मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं? फिर मैं घर गई, मैंने कहा असद आपने आप जेबाइश कर रहे हैं? असद ने कहा पागल हो गई हो तुम, मैं क्यों जेबाइश करूँगा? अच्छा, मतलब अभी भी नहीं. हाँ मतलब मैं आई डोंट वांट, मुझे नहीं करना अभी तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट, और आई थिंक हमें अभी अलहदा अलहदा काम करना चाहिए. ओके फाइन. So, दिल में का अच्छा ठीक है, चलो सही है. फिर लेकिन क्योंकि मैं हूँ तो मेरी सीआईडी शुरू यहाँ वहाँ. तो फिर इवेंचुअली मुझे पता चल गया, बट असद ने अपनी तरफ से मुझे सरप्राइज दिया. एंड देन वन डे ही जस्ट केम ऑन सेट. सबकी तरफ से सरप्राइज था तुम्हारे लिए, सबने छुपा के रखा था. वाह. ओके ओके. अच्छा तो नुशाबा का कैरेक्टर में हाँ तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की, क्या अच्छा लगता है? नुशाबा इज लाइक एवरी गर्ल जो यू नो एक बहुत ही कल्चरली स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आती है, आस्ताने की लड़की है, और इसके बहुत ही ऑथेंटिक वैल्यूज़ हैं, और वो जिस एरिया से आती है वहाँ पर बहुत छोटे जहन के लोग हैं. वहाँ पर हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, और वो लोग बहुत पर्दादार लोग हैं और बहुत खलूस वाले लोग हैं. और ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू गिव अवे अ लॉट अबाउट द स्टोरी, बट उसकी सोच बहुत महदूद है. नुशाबा की छोटी सी दुनिया है, उसकी छोटी सी दुनिया में उसकी अम्मा है, एक्सपोजर ही नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है. और बट उसमें उसके छोटे से ख्वाब हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे यू नो मुझे नहीं शादी करनी. और वहाँ पे उसको सब कहते हैं तुम पागल हो गई हो, यू नो तुम यहाँ पे रहकर. मतलब उसको शुरू से ही उसके अंदर ये चीज है कि जो मेरे पास है मुझे उस पे मुझे उससे बाहर निकलना, आई वांट टू गो बियॉन्ड दैट. हाँ अच्छा. बस फिर ऑब्वियसली जिंदगी में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसने सोचा होता, मतलब उसने सोचा भी नहीं होता, उसने पढ़ना होता है, वो पढ़ तो लेती है, लेकिन वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसकी सोच भी नहीं जा सकती थी. और जब उसको वो पावर मिल जाती है, उस पावर को वो फिर किस तरह एक्सप्लॉइट करती है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी खाली चीज में बहुत ज्यादा सामान डाल देते हैं तो वो शोर बहुत मचाता है. ठीक है. तो नुशाबा इज अ वेरी शैलो कैरेक्टर. बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है. वो बहुत शैलो कैरेक्टर है, उसके अंदर चीजें आ रही हैं, उसमें भरती जा रही है, भरती जा रही है, उसको सब मिल जाता है. और जब सब मिल जाता है तो कहते हैं ना फिर इंसान की औकात का पता चलता है कि ये असल में क्या था. तो नुशाबा के कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं. वो शुरू शुरू में बहुत मासूम होती है, फिर ऑब्वियसली यू नो जब आप दुनिया में बाहर एक लड़की निकलती है काम करने के लिए, दिस वर्ल्ड आल्सो टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू. प्रोफेशनल लाइफ टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, पर्सनल लाइफ टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू. मुझे ऐसा लगता है कि वेन एवर यू गोइंग आउट एंड अबाउट इन द वर्ल्ड टू डू समथिंग, एवरी पर्सन दैट यू मीट यू गिव अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ टू देम एंड यू टेक अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, टेक अ पार्ट ऑफ देम विद योर सेल्फ. तो नुशाबा बहुत सारे लोगों से मिलती है जिंदगी में, और मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. अच्छा बहुत सारी चीज़ें थी, स्क्रिप्ट थोड़ी सी रीराइट हो रही थी इन बिटवीन. तो जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी वो उससे काफ़ी हट गई चीज़ें. अच्छा. इकबाल हुसैन जो हमारे डायरेक्टर हैं उसमें इनका बहुत स्क्रिप्ट की राइटिंग में और कॉन्सेप्ट को दोबारा रीलिव करने में बहुत ज़्यादा उनका हाथ है. एंड देन एक और कैरेक्टर इसमें आया बाबर अली का. तो बाबर अली के साथ काम करके आई कांट टेल यू मुझे कितना मजा आया यार. were you familiar with बाबर? Of course I was. सारी जिंदगी हाँ बिल्कुल. मैंने उनके grow up किए हैं. Of course सिनेमा देख देख के और उनके गाने. और मैं था मुझे उन पे शान पे, और मैं ऐसे थी ना कि ये लोग आ गए, ये मतलब ये आ गए मेरे सामने. और उनको बताया भी. Get the chance to work with. और वो मुझे कह रहे थे, और वो जब मेरी तारीफ कर रहे थे मैं ये थी आप क्या कह रहे हैं. उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें आई एम सो हैप्पी कि तुम ऐसे. तो बहुत हमारे अच्छे सीन हुए. और मजे की बात यह कि शुरू का स्पेल मेरा बाबर जी के साथ हुआ. मेरा असद के साथ तो काम बहुत एंड में आया. सो जो सारे रोने धोने वाले शुरू के स्पेल्स थे, जो सारे नेगेटिव शेड था, वो सारा बाबर के साथ हुआ था. इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया था. सो अब फाइनली इतने अरसे से ना हम ज़ारा को इतने बबली और उसमें देख रहे हैं, अब एकदम से डिफरेंट कैरेक्टर में आएंगे. और सबसे ज्यादा अभी वेरी रिसेंटली आई हैड अ कंसर्न. मेरा यही कंसर्न था कि यू नो मैं आई हैव डन सो मेनी कैरेक्टर्स
ऑफ द सेम शेड, और मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ग्रो नहीं कर रही. वही मेरी चीज जो मैंने कुछ कैरेक्टर्स में अपने पहले की थी, मैं रुक गई थी और फिर दोबारा मैंने चेंज की तो लोगों को पसंद आया और अब वो मेरा फिर रुक गया. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रुक गई हूँ. तो फिर ये विद ज़ेबाइश एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, इट्स गोना स्टार्ट वेरी सून. उसका नाम है बदजात. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट. It's about sexual abuse. Oh. So that and this, these two projects, because I think जो serious काम होता है ना, वो आपको कहीं और पहुंचा देता है mentally. तो आपको you have to dig deeper into things that you don't want to get into. जो दूसरा काम होता है वो मुझे लगता है कि I mean काम है, लेकिन मुझे लगता है कि but मैं एक बात बताऊँ ज़ारा, हर किसी को आसाना आसान काम नहीं है. And you've been doing it. And to be loved for that. It's not easy. Thank you so much. To be so genuine. But I think everybody can make everybody laugh. No. Nahin. Believe me, nahin, aisa nahin hai. Aur ye kitni genuinely hasana ke log hasna chahein. Comedy force nahin lage. You're doing an amazing thank job. Thank you so much. Yeah. But I also feel like ke because of Bushra Khala and Amma and other Khalas, May I've grown up with these women in the house and they talk like this. So this is how we all talk. So मुझे मतलब तो वो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि अच्छा कुछ effort है, मतलब मुझे पता है कि बातें किस तरह करते हैं हम सब. अच्छा मुझे ये बताएं, family है तो family के साथ काम करना आसान है या family के साथ काम करना मुश्किल होता है? सच सच कोई नहीं है, सच बता दें. बहुत मुश्किल होता है. I can't tell you. बुशरा खाला तो उनका बस बस नहीं जरा कि उन्होंने मेरी चोटी नहीं पकड़ी. उन्होंने कहा निकलो मेकअप रूम से, यहाँ पर कोई नखरा नहीं, अम्मा होती है, मैं जुत्ती उतारूंगी, सेट पे पहुंचो. असद में इस तरह होते हैं ना असद, क्योंकि असद तो यू नो लाइक थैंक गॉड ही इज अमेजिंग लाइक दैट. वो कहता है ज़ारा ये तुम्हें ये औरतें तुम्हें मार देंगी, दीस गर्ल्स आर गोना किल यू. सो ही इज योर सुपर हीरो, ही विल कम प्रोटेक्ट यू. वो तो बेचारे कहते हैं ज़ारा मैं बता रहा हूं. सो वन नाइट हम लोग इतना जाते घूमते फिरते हैं. सो वन ऑफ दीज नाइट्स आई वाज लाइक असद आई एम सो टायर्ड, अब हम घूम फिर के आए, मूवी देख के आए, नाउ कॉल टाइम लेट करवा लो. सो ही इज लाइक ओके. सो हम सुबह सेट पे गए, इज लाइक असद नहीं तबीयत बहुत खराब है, बट कोनी मारियो ना कि कहो हाँ. सो इज लाइक हाँ बेचारी रात को उल्टियाँ कर रही थी, शी वॉज वेरी वेरी शी वॉज थ्रोइंग अप द एंटायर नाइट बेचारी, ओ माई गॉड. So I was like, हाँ हाँ. And then खाला was like, तुम दोनों एक टीम में हो, मुझे पता है, you guys are just lying. तुम दोनों एक टीम में हो, you guys. मैं कहा नहीं नहीं वाकई मेरी तबीयत खराब थी, असद बताए ना. सो आई मीन he's that guy who on set जिसको मैं कहूँगी असद मुझे मतलब save me, मुझे नहीं जाना. Because these women उनका सीन होता है, वो कहती हैं चेंज करो, मतलब of course they're highly professional and they're very tasty, they're amazing like that. So working with these women, you learn so much about discipline, about work ethics. कभी कभी शर्म आ जाती है खुद ही कि यार ये लोग, oh my god, ये लोग ready बैठे हैं. तो but बहुत मजा भी आया. अब जब असद के साथ सीन होते हैं कभी लगता है एक्टिंग करनी पड़ रही है, ये इतना नेचुरल फ्लो में जा रहा होता है, या ये ड्रामे की डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं? अच्छा इस ड्रामे की डायनामिक में असद एंड आई, I don't want to give away, but बहुत सारा roller coaster है with Asad, क्योंकि I'm extremely comfortable with him, extremely comfortable. माशाल्लाह. तो वो चीज ना कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत comfortable हो जाती हूँ. तो acting करके शर्म आ जाती हूँ, but actual में नहीं शर्म आती. actual में मुझे बिल्कुल असद से शर्म. तो असद को भी अच्छा लग रहा होगा कि कभी शर्म आ रही है. असद को शर्म आ जाती है. असद को शर्म आ जाती है. ज़ारा तुम ज़ारा, मैं कहती हूँ क्या ज़ारा क्या ज़ारा मियाँ बीवी हैं. हाँ मतलब ज़ारा यार ज़ारा तुम, मैंने कहा नहीं क्या तो बट मतलब द फन पार्ट अबाउट इट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज दैट एज एक्टर्स आई थिंक असद एंड आई गेट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर जो यूजुअली हम नहीं कर पाते. एंड ऑल्सो समटाइम्स व्हेन वी आर हैविंग दीज रियली यू नो अगली डार्क सीन्स तो उसमें I have to give it up to him. He's an amazing actor, Rabia. I think मुझे लगता है कि I learned so much from him in dark scenes especially. और असद इतना subtle कर जाते हैं तो मैं कहती हूँ यार ये मतलब you know this art of making it so natural. तो वो मैं असद से बहुत सीखती हूँ. The romance he learns from me, I think. The other the real part I learned from him. हमें कोई शक नहीं है इसमें ज़ारा. अच्छा मुझे बताओ घर पे फंडा हुआ हो फिर आके कैसे एक्टिंग करते हो तुम दोनों? बिल्कुल नेचुरल. हाँ मतलब ऑब्वियसली भी सेट पे फिर दोस्ती हो जाती है फिर भूल जाती हो पढ़ा या एक्टिंग के बाद वो घर पे जाके पढ़ना कंटिन्यू हो जाता है वो वहाँ है. लेकिन सेट पे हम दोनों बिल्कुल
वर्किंग विद असद मुझे ये बात पता चली, असद इज वेरी प्रोफेशनल, आल्सो यू सेड इट एट छलावा आल्सो, असद इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल. हम सेट पे काम कर रहे होंगे तो असद वुड बी सिटिंग आउटसाइड, नॉट लाइक कि हां ज़ारा और ये वो कोई गप्पे गुप्पे कुछ, अपनी जोन में प्रैक्टिस ये वो सीन कर लो. एंड ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट कि अगर हम सीन कर रहे हैं तो मजाक नहीं ज़ारा, फिर सीन करें आप, क्योंकि मैं तो हां 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 ज़ारा मतलब सीन करो. और मैं कहती हूँ क्यों मतलब है अच्छा ज़ारा मतलब हम मतलब नो. अच्छा सीन में एक दूसरे को प्रॉम्प्ट करते हो, कभी भूल जाएं लाइन या कुछ होता है, कभी प्रॉम्प्ट होता है? उसके लिए हमारे एसोसिएट होते हैं, वो वेरी नाइस, बट डम क्वेश्चन ऑन माय पार्ट. बट मैं सीन में मैंने सब को एक दफा आंखें टेढ़ी कर ली ना, सीन में ऐसे करके टेढ़ी कर ली आंखें ना, ऐसे करके आंखें बना ली, एंड असद लाइक ज़ारा तुम व्हाट आर यू डूइंग, मैं कह रही हूं हां हां हां, एंड ही इज लाइक नो दिस इज नॉट फनी. I was like, okay, बेस्ती हो गई, बेस्ती हो गई है. I was like, okay, sorry, sorry. But he was like, no, I mean, ये काम है ज़ारा हमारा. I was like, I know, but I was just joking. He's like, no, मतलब आप, you can't make. I was like, हाँ, but मेरे solo हो गए तो मैं आपके solos में आपको तंग करती हूँ. He's like, नहीं ऐसे नहीं करते. I was like, this is